अक्टूबर भारतीयों के लिए खास होने वाला है। इस दिन वायुसेना दिवस है, विजयदशमी भी इसी दिन है, और इसी दिन भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने आ रहा है वो लड़ाकू जिसे देखना तो दूर, उसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते हैं। दुनिया का सबसे घातक और खतरनाक लड़ाकू राफेल 8 अक्टूबर को वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इसके साथ ही भारत को मिलने वाले राफेल विमान की तारीख ऐतिहासिक हो जाएगी, क्योंकि विजयदशमी के दिन कई जगह शस्त्रों की पूजा की जाती है। ऐसे में भारत को इसी दिन उसका सबसे बड़ा हथियार मिलने वाला है। राफेल विमान की तैनाती अभी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर की जाएगी। राफेल विमान फ्रांस की डेसॉल्ट कंपनी ने बनाया है, जो 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओम निरोल विमानों के रूप में देखा गया है, जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम है। हवाई हमला, जमीनी जंग या फिर वायु वर्चस्व, भारी हमला और परमाणु प्रतिरोध, ये राफेल ताकत है। अब जब दुनिया में सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट माने जाने वाला राफेल भारत के दुश्मनों को आंख दिखाने को तैयार है, तो सवाल ये उठता है कि इस लड़ाकू को कंट्रोल कौन करेगा, यानी उड़ाएगा कौन? क्योंकि आम फाइटर जेट के मुकाबले राफेल की तकनीक भी अलग है और स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो इसे वायुसेना के आम पायलट्स के लिए उड़ाना मुश्किल होगा। राफेल विमान के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से सालों पहले ही वायुसेना ने अपने कुछ चुने हुए पायलट्स को इसकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। इन पायलट्स की ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। राफेल की अत्याधुनिक तकनीक और उसकी मारक क्षमता को देखते हुए वायुसेना ने इसे उड़ाने का जिम्मा गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को सौंपेगा। यही यूनिट फ्रांस से पहली खेप में मिलने वाले राफेल फाइटर जेट को उड़ाएगी। गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन का गठन 1951 में हुआ था। '99 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए करगिल युद्ध में वायुसेना प्रमुख बीएस धनोवा ने खुद इसका नेतृत्व किया था। राफेल के वायुसेना में शामिल होने को लेकर फिर से इस स्क्वाड्रन को शुरू किया जा रहा है। ये स्क्वाड्रन हैवी लैंड वैम्पायर FMK-52 जैसे पुराने लड़ाकू विमान को भी उड़ा चुकी है। राफेल दुश्मनों का दिल दहला कर रख देगा, इसके वार से बचना नामुमकिन है। खतरों के इस खिलाड़ी का सामना करना आसान नहीं होगा, क्योंकि राफेल एक मिनट में 7000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम 24,500 किलोग्राम भार उठाकर उड़ने की क्षमता है, साथ ही 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी। विमान में फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जो हर तरह के मिशन में माहिर है। 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर, हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा और 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता। एक मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है ये जेट, और 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है ये जेट, और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसमें मल्टी मोड रडार लगे हैं। इन खूबियों के साथ वित्तीय कारणों से भी भारतीय वायुसेना ने लंबे टेस्ट के बाद राफेल को चुना। दरअसल राफेल विमान भारत सरकार के लिए एकमात्र विकल्प नहीं था। इस डील के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय विमान निर्माताओं ने भारतीय वायुसेना से पेशकश की थी। इनमें से 6 बड़ी विमान कंपनियों को चुना गया, जिसमें लॉकहीड मार्टिन का F-16, बोइंग FA-18S, यूरोफाइटर टाइफून, रूस का MiG-35 शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने विमानों के परीक्षण और उनकी कीमत के आधार पर राफेल और यूरोफाइटर को शॉर्टलिस्ट किया। यूरोफाइटर टाइफून काफी महंगा है, इस कारण से 126 राफेल विमानों को खरीदने का फैसला किया गया। तकनीक में उन्नत ये विमान हवाई टो, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शर्प स्ट्राइक और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में माहिर है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान की डील की थी। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद ये समय आया है, और हालात ऐसे जब सीमा पर पाकिस्तान से तनाव बना हुआ है।
ऐसे भारतीय सेना के लिए राफेल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वार का कोई जवाब नहीं है।